हाय व्यूअर्स, मैके स्टूडियो से आप सभी का वेलकम। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और एफआईआर की एक्टर कविता कौशिक ने हमेशा के लिए टीवी को खैरबाद कर दिया है। कविता इन दिनों पहाड़ों में अपने पति के साथ रह रही हैं। लोगों का कहना यह है कि वो अचानक अपने पति के साथ पहाड़ों में क्यों चली गई। तो हम बताते चले कि कविता कौशिक के पति का आयुर्वेदिक का बिजनेस है और वो इस सिलसिले में अपने पति के साथ पूरा कोऑपरेट कर रही हैं और वो ये सारा समय अपने पति के बिजनेस को देना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने टीवी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इस मौके पर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं 30 दिन तक मुसलसल काम नहीं कर सकती, हाँ लेकिन किसी वेब सीरीज के लिए मुझे कास्ट किया जा सकता है। मैं कोई मामूली हीरोइन नहीं हूँ जिसको हर कोई कास्ट कर सके, मेरे लिए चंद ही रोल बने हैं जिसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। कविता का कहना यह है कि मैंने जिस वक्त टीवी को ज्वाइन किया था उस वक्त टीवी पे कुछ और ही दिखाया जाता था। उस वक्त के टीवी और उस वक्त के शोज ऐसे थे जो सबके लिए मनोरंजन करते थे, लेकिन आज जो कुछ दिखाया जा रहा है मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो नौजवानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी एक वक्त तक इस चीज का हिस्सा बनी रही जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कविता कौशिक ने ये कहा कि इस वक्त जो कुछ टीवी पे सीरीज और सोप सिखाए जा रहे हैं वो लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ इन सीरीज और सोप की वजह से है जो कि नहीं होना चाहिए। लोग इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं, लोग इसकी हकीकत नहीं जानते, बस उनको तो यही देखना है और वो इसको पसंद कर रहे हैं जबकि इसकी हकीकत कुछ और है। कविता के इस इंटरव्यू के बाद लोगों के मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि क्या कविता ने खुद टीवी छोड़ दिया और उसके बाद वो इस तरह कह रही है या हकीकत में कुछ ऐसा है। दोस्तों, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं हमें अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ऐसे ही मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए मैके स्टूडियो।